नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसके कुछ हम इकोनॉमी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ लास्ट में हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस भी देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 153 से हम स्टार्ट करते हैं। पिछले कल जो था, हमने जो था हिस्ट्री और जियोग्राफी का सेक्शन और पॉलिटी का सेक्शन एक साथ डिस्कस किया था, और उससे पिछले कल HPGK का सेक्शन और उससे पिछले कल जो था HP सेक्रेट क्लैरिकल का पेपर जो था वो हमने कम्प्लीट डिस्कस किया था। तो आज हम ये सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें पूछा गया है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ नवरत्नाज इवॉल्वड इन यूनियन बजट ऑफ विच ईयर। तो संघीय बजट में नौ रत्नों की अवधारणा किस वर्ष उभर कर आई थी। तो कुछ नवरत्ना का कॉन्सेप्ट था ना, ये कब सामने आया था, ये 1997-1998 के बजट में जो था वो उभर कर आया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब नवरत्नाज के बारे में आपने सुना होगा। देखिए, नवरत्ना कंपनीज किन कंपनीज को कहा जाता है? ये उन कंपनीज को कहा जाता है जो इन्वेस्ट कर सकती हैं अप टू 1000 करोड़ विदाउट द गवर्नमेंट अप्रूवल। तो गवर्नमेंट का अप्रूवल इनको नहीं चाहिए होता है अप टू 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने तक। तो ये आप याद रखिए, 14 नवरत्ना कंपनीज मुख्य रूप से हैं। तो मैं इनके नाम आपको बता देता हूँ। इनमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आता है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आता है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड आता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आता है जिसको HAL हॉल भी कहते हैं, और महानगर टेलीफोन लिमिटेड आता है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी आती है इसमें, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन आता है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आता है, NLC इंडिया लिमिटेड आता है, ऑयल इंडिया लिमिटेड आता है जिसको OIL भी कहते हैं, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन आता है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड आता है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन यहाँ पर आती है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पर आती है। ये मुख्य रूप से 14 कंपनी का नाम मैंने आपको बताया, इनके नाम तो आप याद रखिएगा ही। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि हॉल वगैरह हो गया, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनके बारे में याद रखना जो है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1940 में की गई थी। हाल की स्थापना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना, तो इसकी स्थापना भी साथ में याद रखिए। आगे 154 में पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्टर द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसको IDA भी कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IDA को जो है वो कौन संचालन करता है? देखिए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को जो है वो संचालन करता है IBRD। IBRD इसको संचालित करता है। IBRD क्या चीज़ हुई? इसका पूरा नाम पहले आपको पता होना चाहिए। IBRD का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1944 में कर दी गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है Washington DC में। इसका हेडक्वार्टर भी साथ में याद रखिए। कुछ और भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, जैसे कि UNDP हो गया, जिसका नाम है पूरा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, और इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। IDA हो गया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर Washington DC में स्थित है, और 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WHO भी कहते हैं, WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है, और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसके अलावा जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है 1995 में एस्टेब्लिश किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में स्थित। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस मैंने आपको बताई, इनके बारे में आप याद रखिएगा। आगे पूछा गया है, अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। तो अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम जो है ये किसके द्वारा आरंभ की गई है? तो ये योजना चलाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। 155 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। देखो, ये योजना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये योजना चलाई क्यों गई थी? ये योजना इसलिए चलाई गई थी ताकि जो लोग, तो इस स्कीम के बारे में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अर्न वैल्यू लर्न स्कीम जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की स्कीम है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंडिया स्विच्ड ओवर टू डेसिमल करेंसीज। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने दशमलव मुद्राओं में परिवर्तन किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडिया ने 1957 में स्विच किया था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। तो यहाँ से भी बस यही क्वेश्चन बनता है, तो इस क्वेश्चन को याद रखें। आगे है आपके पास इंग्लिश का क्वेश्चन। इंग्लिश का क्वेश्चन है 165 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है, ही डिलाइट्स टीजिंग मी। तो ही डिलाइट्स इन होगा यहाँ पर, ही डिलाइट्स इन टीजिंग मी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। आगे एंटोनियम पूछा गया है, एंटोनियम पूछा गया है किसका?
विम्सिकल का एंटोनियम पूछा गया है। तो विम्सिकल क्या होता है, इसका विम्सिकल पहले होता क्या है, इसका मतलब समझिए। ये होता है सन की होता है विम्सिकल। विम्सिकल का अपोजिट क्या हो सकता है, नॉर्मल। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है, साधारण यानी कि जो सामान्य है उसको हम सन की का अपोजिट कह सकते हैं। 167 में पूछा गया है मीनिंग ऑफ ईडियम टू रिप अप ओल्ड सोर्स। तो इसका अपोजिट, इसका ईडियम का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है टू रीओपन अ क्वेल, इनकी कोई लड़ाई है उसको फिर से खोल देना, कोई लड़ाई अगर बंद हो गई है तो उसको फिर से खोल देना, उसको कहते हैं टू रिप अप ओल्ड सोर्स, यानी कि गड़े मुर्दे उखाड़ना, इस तरह से आप कह सकते हैं। आगे 168 में पूछा गया है भौतिक क्या है। तो भौतिक क्या है, भौतिक एक विशेषण है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, 168 का जो है ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे 169 में पूछते हैं यथाक्रम में कौन सा समास है। यथाक्रम में जो है वो अव्ययीभाव समास आता है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, यथाक्रम यथासंभव इनमें कौन सा समास है, तो इनके समास आपने याद रखने हैं। 170 में पूछते हैं इनमें से मुहावरा कौन सा है। मुहावरा कौन सा है इनमें से, आंख में आंख डालना कोई मुहावरा नहीं है, आंख से देखना कोई मुहावरा नहीं है, आंख दिखाना मुहावरा है, ऑप्शन सी सही आंसर है, और आंख पर से देखना भी कोई मुहावरा नहीं है। तो आंख दिखाना एक मुहावरा है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 146 क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर पूछते हैं द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज मेड ऑफ। तो इलेक्ट्रिकल हीटर जो आपका होता है, इसकी कॉइल किस चीज़ से बनी होती है। इसकी कॉइल जो है वो नाइक्रोम से बनी होती है, नाइक्रोम ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब नाइक्रोम से इसकी कॉइल जो है वो बनी होती है, इसको नाइक्रोम क्यों कहा, इसको नाइक्रोम इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें निकल भी है और इसमें क्रोमियम भी है। 80% इसमें निकल पाया जाता है, 80% इसमें निकल होता है, और 20% जो है इसमें क्या होता है, क्रोमियम होता है। और निकल और क्रोमियम जब आपस में मिला दिए गए तो एक कॉइल बनाई गई जिसको नाइक्रोम नाम जो है वो दिया गया। अब एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिकल बल्ब तो आपने सभी ने देखा है। तो इलेक्ट्रिकल बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ से बना होता है, तो वो टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 147 में देखिए, यहाँ पर पूछते हैं एन एटम बॉम्ब इज बेस्ड अपॉन दी प्रिंसिपल ऑफ। एटम बॉम्ब जो है वो किसके प्रिंसिपल, किसके सिद्धांत के ऊपर जो है वो कार्य करता है। तो ये कार्य करता है न्यूक्लियर फीजन के ऊपर, ये कार्य करता है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। ध्यान रखिएगा न्यूक्लियर फीजन में आपको कह रहा हूँ, नाभिकीय विखंडन जो है वो सही आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो दूध जो है वो विटामिन सी का पुअर सोर्स माना जाता है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब विटामिन का ये पुअर सोर्स माना जाता है, इसके अलावा विटामिन सी के बारे में जानिए। विटामिन सी जो है इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी कहाँ कहाँ से आपको मिलती है, तो विटामिन सी जो है आपको खट्टे पदार्थों से मिलती है, जैसे कि आपके पास संतरा हो गया, आंवला हो गया, इस तरह की चीज़ों से जो है वो विटामिन सी मिलती है। सिट्रिक फ्रूट्स जो आपके होते हैं उनके, उनसे आपको विटामिन सी मिलती है। आपसे आगे पूछते हैं कर्ड इज शार ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो किसकी उपस्थिति के कारण दही खट्टा होता है। दही आपने टेस्ट किया होगा, दही जो है वो खट्टा होता है। तो इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। लैक्टिक एसिड के कारण जो है ये दही आपको खाने में खट्टा लगता है। चींटी आपको काट लेती है तो उस टाइम वो कौन सा एसिड जो है आपकी बॉडी में छोड़ कर जाती है। देखिए चींटी जब आपको काट लेती है तो आपकी बॉडी में जो है मैथानोइक एसिड जो है वो छूट कर जाती है, मैथानोइक एसिड, और इसको फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। फॉर्मिक एसिड, मैथानोइक एसिड जो है इनका नाम भी याद रखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किससे बनाया जाता है या फिर किससे बना है। तो ये जो है बना है जिप्सम से, ये बना हुआ है ऑप्शन डी, जिप्सम जो है वो सही आंसर है। अब ये जिप्सम से बना हुआ है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का कई बार केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। प्लास्टिक ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला है CaSO4½H2, ये इसका केमिकल फार्मूला है। 67 में पूछते हैं द यूनिट ऑफ पावर इज, तो शक्ति की इकाई क्या है। देखो यूनिट ऑफ पावर क्या है, यूनिट ऑफ पावर जो है 67 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन सी वॉट। वॉट जो है वो यूनिट ऑफ पावर होती है, शक्ति की इकाई होती है। अब इंपॉर्टेंट यूनिट मैं आपको एक बार बता देता हूँ, देखिए लेंथ के यूनिट क्या है, लेंथ के यूनिट है मीटर। टाइम के क्या हैं, टाइम के हैं सेकंड। वेट के क्या हैं, वेट के हैं किलोग्राम। टेम्परेचर के क्या हैं, टेम्परेचर के हैं केल्विन। वर्क के यूनिट क्या होते हैं, वर्क के यूनिट होते हैं जूल। पावर के यूनिट क्या होते हैं, पावर के यूनिट होते हैं वॉट। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, तो एनर्जी का यूनिट भी जूल ही होता है। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन होता है। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है।
तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स आप याद रखें। 68 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है पोलर सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ अप्रोक्सीमेटली, तो ध्रुवीय उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो है वो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका 800 किलोमीटर जो है वो सही आंसर है। 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ये घूमता रहता है अप्रोक्सीमेटली। 69 में पूछा गया है हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो आपकी होती है वो किसके प्रिंसिपल के ऊपर कार्य करती है, ये कार्य करती है पास्कल्स लॉ, पास्कल का जो लॉ है, पास्कल का जो नियम है उसके नियम के ऊपर जो है ये कार्य करती है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ जाता है कि आपकी वॉशिंग मशीन जो है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर कार्य करती है, तो वॉशिंग मशीन का आप कमेंट करके बता दीजिए कि ये किस प्रिंसिपल के ऊपर कार्य करती है, क्योंकि आसान क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 70 में पूछा जाता है विच इज़ द क्विकेस्ट वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, तो कौन सा उष्मा के संचरण का सबसे तीव्र स्रोत है, तो उष्मा के संचरण का सबसे तीव्र स्रोत कौन सा है, ये है रेडिएशन। 70 क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन सी रेडिएशन जो है वो सही आंसर होगा। आगे कॉमन क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, विच इज यूज एज सेविंग मिरर, तो सेविंग मिरर के रूप में जो है वो कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है, जो सेव करने के लिए मिरर यूज किया जाता है, बहुत सारे बच्चे प्लेन मिरर कर करा जाते हैं, तो प्लेन मिरर इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर क्या है, कनकेव मिरर, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब कनकेव मिरर हो गया, कन्वेक्स मिरर हो गया, इनके थोड़े थोड़े यूजेज आपको पता होने चाहिए। पहले तो कनकेव मिरर की बात करते हैं, टॉर्चेज में आपकी कनकेव मिरर यूज होता है, सर्च लाइट जो होती है उसमें कनकेव मिरर यूज होता है, गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है उसमें भी कनकेव मिरर ही यूज होता है। कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर जो है व्हीकल्स का जो रियर व्यू मिरर होता है ना उसके रूप में इसको यूज किया जाता है। तो मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन भी पूछा गया है विच मिरर इज यूज एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, तो ये है कन्वेक्स मिरर। तो ये कुछ बेसिक आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द लाइट रीचेज अर्थ फ्रॉम सन इज अबाउ, तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य की जो प्रकाश है ना उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। 72 क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, लगभग 8 मिनट का समय जो है ये ले लेता है, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली कहा गया है तो 8 मिनट का समय ये ले ही लेता है। आगे पूछा जाता है इन विच डिफेक्ट ऑफ आई द पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो नेत्र का ऐसा कौन सा रोग होता है जिसमें मनुष्य जो है वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो मायोपिया रोग जो है ये ऐसा रोग है जिसमें मनुष्य जो है वो दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता। अब मायोपिया में इंसान दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता, परंतु मायोपिया अगर किसी को हो गया है तो उसको करेक्ट भी तो किया जा सकता होगा, तो उसको किस मिरर या फिर किस लेंस की सहायता से करेक्ट किया जा सकता है। तो मायोपिया को ठीक करने के लिए जो है वो कनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब कनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, मायोपिया को जो है वो नियर साइटनेस भी कहा जाता है, तो नियर साइटनेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें मायोपिया के बारे में याद रखनी है। बाकी देखिए, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो कुछ इस तरह से @allexam31 सर्च कीजिएगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे 10,000 से अधिक फॉलोअर हैं, टेलीग्राम पर आप हमें इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, जो भी वैकेंसीज निकलती हैं उनकी पीडीएफ, जो भी रिजल्ट निकलते हैं उनकी पीडीएफ, हर एक चीज़ आपको टाइम टू टाइम हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। बाकी आपने आज एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94, इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो तब तक के लिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।